من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دوستو ہم نے پہلے دیکھا تھا دا روم کا چیپٹر 1, تو آج ہم دیکھیں گے چیپٹر 2. دا روم کیا ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں شاید. انٹرفیس نیا سیف ہمارے سامنے اوپن ہو رہا ہے تجوری. اسے تین طرح کے لاک ہے, تین لاک. سب سے پہلے آپ کو اس ویل پر آنا ہے اور لیفٹ سائڈ میں 5 ہے, لیفٹ سائڈ میں تو 5, رائٹ سائڈ میں 7, 7. اور سائڈ میں کیا ہے, اوپر کی سائڈ میں, تو ہمیں اسے روٹیٹ کر کر کوئی ایک ورڈ بنانا ہوگا. دو بن رہا ہے, دو. نیچے کیا ہے, شاید 6. اس سوئچ کو نیچے کرنے کے بعد یہاں پر کچھ اس طرح یہ اوپن ہو گیا ہے. آپ کو اوپر ایک چٹ ملے گی جسے آپ پڑھ سکتے ہو. اب آپ یہاں پر آئیں گے نیچے تو ایک لائٹر ٹائپ میں آپ کو ملے گا, لیکن اس میں جو بتی ہوتی ہے وہ نہیں ہے. تو فوٹ کے پاس میں آئیں گے ہم اور یہاں سے پک کر لیں گے. اسے چھپی ہوئی چیزیں یہاں پر, بس آپ کو انہیں ڈھونڈنا ہے. یہ جل گئی ہیں, اسے اوپر کر لیتے ہیں. یہ لاک ہو گیا ہے. اب ہمیں یہاں پر آ کر اسے لیفٹ سائڈ میں روٹیٹ کرنا ہوگا اور اسے پک کرنا ہوگا, اور اس پر کلک کر کر آئٹم پر یہ جو ایرو کا نشان ہے اسے برابر کرنا ہوگا. آپ دیکھ سکتے ہیں آئی پیس کی مدد سے جس پلر پر, جس پول پر آپ کو ہاتھ کے نشان نظر آئیں گے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے. یہاں پر آپ کو ایک بک ملیں گی, اس بک کو لین لینا ہے اور اس کا جو لاک ہے وہ اس طرح اوپن ہوگا. آپ کو یہاں چابی ملیں گی, چابی بھی لے لینا ہے آپ کو. بک کو کلوز کرنا ہے. یہ نشان کیا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہے. یہاں جہاں پر ہینڈلز ہے آپ کو یہاں زوم کرنا ہے اور اس چیز کو یہاں پک کر دینا ہے, اور یہاں پر نیچے اس ڈور کو اوپن کرنا ہے اور اس چابی کو یہاں لگا کر اسے روٹیٹ کرنا ہے. یہ گھومنے لگے گا اور آپ کو یہ جو لینس چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لال رنگ میں, اس پر ڈبل کلک کرنا ہے. ویڈیو نظر آ رہا ہے آپ کو, اب ہم آئی پیس کو آن کر کر اب اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. تو TRIAL ٹرائل, ٹرائل ہے کیا؟ پاسورڈ لگ رہا ہے مجھے تو. Thank you.
कि ऐसे नहीं होगा, हम आई पीस कौन करेंगे। एल मिल गया है हमें यहाँ पर, रोटेट करेंगे हम इसे, तो यहाँ पर हमें एल को उठाकर पिक कर देना है और यहाँ पर ट्रायल रोटेट कर ट्रायल बनाना है। एक लॉक खुल गया है, इन चीजों के बारे में देख लेते हैं। अब देख सकते हैं निशान, तो हम यहां पर आ जाते हैं और जिस जगह पर ये निशान था इसे वहां लगा लेते हैं। बाकी निशान आपको यही आसपास में मिल जाएंगे। जो नीचे का निशान है आप उसे ऑटोमेटिकली आप उसे यूज कर सकते हो। अब हम ऊपर आ जाते हैं, ये है क्या चीज, तो आपको इसे इस बटन को इधर स्वाइप करना होगा, इस बटन को। अब ये जो बॉल्स नजर आ रहे हैं मोबाइल को जब आप हिलाएंगे तो ये भी हिलने लगेंगे, जायरोस्कोप से चलते हैं ये। अब आप, मैं इस वाले को हिला रहा हूँ, एक एक को टारगेट करके करना होगा आपको, ये सब साथ में नहीं होते। अब रेड वाला, ये ग्रीन वाला, लेंस को ओपन करेंगे तभी आपको दिखेगा। ये शेप बनाना था हमें यहाँ पर, तो बन चुका है। की होल नजर आ रहा है यहाँ पर, तो की होल में ये जो की हमें वहां मिली है इसे घुमा देना है। इस ड्रॉअर पर हम जाएंगे, इस ड्रॉअर को ओपन कर एक और की मिली है, तो इस की होल में इस की को हमें एडजस्ट करना है। एक स्टार मिला है, यहाँ पर एक स्टार का निशान है, हम इस पर, यहाँ पर हमें स्टार मिल गए हैं और इस को पिकअप कर लेना है हमें। ये एक खास तरीके से ही खुलता है, जो ये है, आपको दोनों को ऊपर कर लेना है प्लग्स को। आपको चाबी मिल गई, की होल पर क्लिक कर इस की को उसी शेप में बनाना है आपको, जिस शेप में की होल तैयार है। शायद हो गया, नहीं, अब तैयार है। हम इस राउंड को पिक कर
यहाँ आते हैं और इसे शिफ्ट कर देते हैं। सेकंड वाला भी लॉक ओपन हो गया है, थर्ड वाला बाकी है। आना है आपको इस बटन को इधर कर कर इस हैंडल को घुमाना है। अब आपको ये राउंड्स नजर आ रहेंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाला नीचे का हमें यहाँ दिखा था, इसको एडजस्ट कर देते हैं बराबर। पेंटागॉन और ये राउंड सर्कल वाला यहाँ पर है। मुसल्लस जो है वो यहाँ पर है। फ्लावर इज रेडी टू ओपन। हमें यहाँ आना है, इसे पिक कर देना है यहाँ पर, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप। वही रखकर आपको इसे रोटेट करना है। स्क्रू ड्राइवर मिलने के बाद आपको यहाँ पर आकर इन स्क्रूज को ओपन करना है। इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये रुक जाएगा। सही चांस मिलने के बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं इजीली। अब हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पर नहीं आएगी। हमें कीज को सेट कर देना है। आपको यहाँ पर एक गियर मिला है, हम दोबारा यहीं आएंगे। इस गियर को पिक करने के लिए आपको यहाँ पर टच करना होगा। यहाँ पर आप इसे रोटेट कर आप इसे ऊपर कर लोगे तो आपको यहाँ पर एक गियर मिलेगा। आपको दोबारा गियर्स के पास में जाकर इस गियर को पिक करने के लिए आपको इस पर टच करना होगा। यहाँ पर एक गियर और यहाँ पर ये गियर, इन बीच में जो कमी है इसे बैंड पूरी करेगा। अब आपको इस बटन को प्रेस करना है। बॉक्स इस पर क्लिक करेगी तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, तो सबसे पहले यहाँ पर चलकर ये की है असल में, ये हार्ड है। आपको शेप बनाना है, शील्ड मिल जाएगी। शील्ड पर क्लिक करने के बाद आपको एक ये लॉर्ड है इसके पास में आना है और ये जो स्टोन है इसे पिक कर दोबारा क्लॉक के पास में आना है और इस स्टोन को क्लॉक में एडजस्ट कर देना है। तो आप इस फोटो को पलटाओगे तो आपको यहाँ पर 6:05 टाइम दिखेगा।
आपको आई लेंस ओपन करना है तो आपको यहाँ पर घड़ी की कांटे देखने को मिलेंगे। आप इसे घुमाओगे तो आप देख सकते हो टाइम सेट करने पर ये जो तीसरा ताला है ये भी ओपन हो गया। तो दोस्तों ये था सेकंड चैप्टर, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड यानी थर्ड चैप्टर में।